जय जोहार संगवारी मंथ। आज तुमन सोचा तो या कि गाना छोड़ के ब्लॉग कैसे बनाते, तो आज बातें चाहिए है। आज हमन जाथन कटरा, और कटरा जाथन हमन वंदे भारत मा लगत है। समय हो गए है, एक एक डिटेल तुमन ला मैं पूरा बताऊँ कि कति हमन गए, कता टिकट लगी, का चीज है, हर चीज ला बताऊँ। तो अभी मैं चला थोड़ा ट्रेन में, फिर मिलूँ थोकन देर में। तो आवत मुला अंदर ले दिखा था, अंदर कैसा है अभी का है फर्स्ट एक्सपीरियंस मोर, देखा था कैसा एक्सपीरियंस वही। तो आवत एक हाय पीपल। सो फाइनली 3 साल के इंतज़ार के बाद आज माता रानी ने हमको बुलाया है और मैं यहाँ आ चुका हूँ कटरा। और मेरे पीछे जस्ट जो पहाड़ है वहाँ है भवन माता रानी का, और हम लोग आए हैं वंदे भारत में। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और आगे की जर्नी मैं कैसी थी विस्तार से बताऊँगा। फाइनली वी रीच द फर्स्ट स्टॉपेज एंड ऐसा लग रहा है कि एक सपना पूरा हो रहा है, और वो ऊपर में है। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी। फाइनली हम बाणगंगा पहुंच गए, जो बाथिंग घाट है वहां पहुंच गए हैं। और मैं अपना एक्साइटमेंट लेवल बता नहीं सकता कि कितना एक्साइटेड हूँ। ये है मेरे पीछे बाणगंगा, ये है। वी रीच्ड आवर फर्स्ट स्टॉप, सो आई होप यू गाइस विल स्टे विथ मी एंड तो साथ में दर्शन करते हैं। ये है बाणगंगा का गेट नंबर 1। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ से बिना नहाए या बिना शुद्ध होए दर्शन नहीं करना चाहिए। माता रानी ने यहाँ अपना केश धोया था, और इसका भी एक स्टोरी है, तो मैं उसको पूरा रिसर्च करके आपको जरूर सुनाऊंगा, और आई होप कि आपको वो पसंद आएगा। अरे वीडियो रुक, तू ब्रीदिंग है ना, बैक कर दो। तो पानी गंगा से शुद्ध हो गए और अब जा रहे हैं भवन की ओर। और आप सोच रहे होंगे मास्क क्यों, मास्क इसलिए है क्योंकि पास बहुत है। और एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर आप इधर से आ रहे हो पुराने रास्ते से, मास्क जरूर लाना, क्योंकि सब घोड़े उन लोग का जानते तो हो। सो वियर मास्क। सो हमने स्टार्ट किया था 4:30 बजे, अभी टाइम हो रहा है 8:15। सो और अंधेरा हो गया, और आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। आई एम श्योर फ़ोन जो है बिल्कुल जस्टिस नहीं कर रहा है जो मैं देख पा रहा हूँ। बहुत प्यार है, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सो अभी टाइम हो रहा है 12:30, और फाइनल दर्शन हो गया। और अभी जो ठंड है, बस माता का कृपा है, आगे भी भैरव घाटी चढ़ रहे हैं। आई होप कि वो भी अच्छे से हो जाए। इसके बाद का रूट जो प्लान है वो आपको भैरव घाटी पहुँच के फिर बताता हूँ कैसा। दर्शन बहुत अच्छा था, बस तृप्त हो गया मन। चलिए भैरव घाटी की ओर चलते हैं, मिलते हैं कुछ देर में। सो भैरव बाबा जो है अपने माता के भवन से 2 किलोमीटर है, और इतना स्टीप मैं अपने लाइफ में नहीं चढ़ा हूँ, बहुत स्टीप है। अगर मैं आपको बता सकता तो मैं बताता हूँ। ये देखिए, अभी हमको जाना इधर, कि कैसे पता चलेगा। ये जो है इतना स्टीप है। फाइनली इट्स 2, और वेर इज द टॉपेस्ट क्लिफ जो कि है भैरव घाटी। अब क्या है, मम्मी पापा गए हैं
और मैं यहाँ पे अपने सामान की रखवाली कर रहा हूँ, वो आते हैं फिर मैं जाऊँगा। बाकी नाइट में ऐसा कुछ व्यू आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जो एम्बियंस है, जो वेदर है, इट्स अमेजिंग। मेरे ख्याल से नाइट का अपना अलग मजा है और डे का अपना अलग मजा है। तो अगर आप बैचलर हैं और अगर आपको एम्बियंस चाहिए, वो इन्वायरमेंट चाहिए, तो आप नाइट में आइए। और अगर आपको थोड़ा बहुत नज़ारों का देखना है, मतलब व्यूज़ देखने हैं, तो आप बेशक आप डे में आइए। तो हमारा क्या था, ट्रेन जो है हमारा 2 बजे आया, तो हम लोग प्लान ही हम लोग नाइट का बनाए। सो फाइनली भैरव घाटी अब जाने वाला हूँ मैं दर्शन करने। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, फिर जाएंगे अपन अर्धकुंवारी और सांझी छत होते हुए फिर हम लोग उतरेंगे कटरा की ओर। तो ये हम लोग जो स्टार्ट किए थे, वो हम लोग स्टार्ट किए थे 4:30 से, और अभी टाइम हो रहा है 2, तो आप हिसाब लगा लो कि कितना घंटे में हम लोग यहाँ भैरव घाटी पहुँच गए। सो मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। सो फाइनली भैरव बाबा के दर्शन हो गए। मैं आप लोग को ऐसा लग रहा है, बस बताया जा रहा हूँ दर्शन हो गए। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल है यार, कि मतलब फ़ोन वोन बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो बस जो एक्सपीरियंस है वही मैं शेयर कर सकता हूँ आप सबके साथ। अब इतने दूर से आए हैं हम, तो ये चीज़ इस मोमेंट को कैप्चर करना बनता है। तो मैं ये आप लोग के लिए भी इस चीज़ को मतलब फिल्म कर रहा हूँ और अपने लिए भी कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। सो आई होप कि आपको ये सब जो मैं जो फील कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली मैं बता नहीं पाऊँगा। होप कि आप सब उस चीज़ को रिलेट कर पाओ। सो आइए देखते हैं, लुक एट द फुल मून। कैमरा बिल्कुल जस्टिस नहीं कर पा रहा है, इतना पास है और इतना मतलब क्लियर स्काई है, क्लाउड्स। इधर मेरे पेरेंट्स हैं सब डेड टायर्ड हैं, लेकिन आस्था है। क्या फाइनली, अभी भी बच्चा है बहुत। हाउ इज द जोश पापा?